हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का। गाइस, जेई में जून अटेम्प्ट की आंसर की प्रोविजन आंसर की इसको बोले, आपके रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स और आपके क्वेश्चन पेपर रिलीज हो चुके हैं कल रात को। लेकिन जब से वेबसाइट पे बच्चे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, इवन तक मैंने भी कल देर रात लगभग 12:30 तक कोशिश करी थी आंसर की, कुछ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स बच्चों के और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने की, लेकिन लगातार इरर आ रही है वेबसाइट पे। और जब से बच्चे बहुत परेशान से हैं, आज सुबह तक भी ये स्थिति अभी थोड़ी देर पहले तक भी बनी हुई है, कभी डाउनलोड हो रहा है, कभी इरर आ रही है। कुछ बच्चों ने डाउनलोड कर लिए, काफी सारी इरर आ रही है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है, या पैरेलली आंसर की दिख रही है लेकिन क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में इरर दिखा रहा है। ये एक वेबसाइट का ग्लिच जो है, ये कल रात से बना हुआ है और कल शाम यानी 4 जुलाई शाम 5 बजे तक स्टूडेंट को आंसर की को चैलेंज करने का और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को डाउनलोड करने का टाइम दिया गया है। मैं सारे स्टूडेंट को यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप एनटीए को जरूर ईमेल डालिए, क्वेरी रेज करिए, ईमेल डालिए कि हमें पर्टिकुलरली रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स और आंसर की को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कल 4 जुलाई तक ही केवल आपके रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स, प्रोविजन आंसर की और आपका क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। ये एनटीए ने वेबसाइट पे जो एक प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है उसमें मेंशन किया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को डाउनलोड नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं कर पा रहे, आंसर की आप डाउनलोड कर पा रहे हैं या आंसर की भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो आप एनटीए को जल्दी जल्दी मेल लिखिए ताकि गवर्नमेंट इस चीज को समझे और प्रॉपर तरीके से स्मूथली वेबसाइट पे सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आए और बच्चे उसको डाउनलोड कर पाए। क्योंकि ये डाउनलोड करना सारे स्टूडेंट के लिए कह सकता हूं कि जरूरी सा इसलिए होता है कि कल को आपका रिजल्ट आएगा तो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने कितने क्वेश्चन किए थे, कितने क्वेश्चन आपके सही थे और जो मार्क्स आपके आए हैं उस पर जो भी परसेंटेज लाइए, आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो मैं सारे बच्चों को बोलूंगा कि आप ये जरूर डाउनलोड करके रख लें और डाउनलोड करना आप सभी के लिए फायदेमंद इसलिए भी है ताकि आपके पास अपना क्वेश्चन पेपर भी रहेगा और फ्यूचर में आपके पास में कितने क्वेश्चन आपने करे, कितने मार्क्स आए, कितनी गलतियां आपसे हुई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ये भी आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर पाएंगे। और जब आपका रिजल्ट आएगा थोड़ा सा क्लैरिटी आपके पास रहेगी कि आपका जो परसेंटेज आया है वो आपके कितने मार्क्स पे कुछ कुछ आया है, थोड़ा सा आपके पास सेटिस्फेक्शन रहेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं कि पर्टिकुलरली आंसर की को चैलेंज करने के लिए भी आपको टाइम 4 जुलाई तक का दिया गया है, लेकिन 29 जून का जो पेपर हुआ था उसमें मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट में केमिस्ट्री को लेकर के बच्चों के मेरे पास रिव्यू अभी तक आ रहे हैं कि उनके आंसर की पूरी मैच नहीं हो रही है या जो एनटीए के आंसर की पर्टिकुलरली क्वेश्चन के हिसाब से दी गई है वो मैच नहीं हो रही है। क्या आपके साथ भी हो रहा है, खासकर 29 जून के मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के साथ, कि उनकी केमिस्ट्री के आंसर की मैच नहीं हो रही है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप एनटीए को जरूर ईमेल करें, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को एक साथ चैलेंज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल कम होगा। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो सकता है कि 29 जून वाले बच्चों की सुबह शाम वाली शिफ्ट में जो केमिस्ट्री का पेपर मैच नहीं हो रहा है उनके आंसर से वो चीजें मैच नहीं हो रही है, आंसर की जो एनटीए दी है उससे मैच नहीं हो रहा है, तो इतने सारे क्वेश्चन को चैलेंज कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं भी अभी नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन आप एनटीए को जरूर ईमेल करिए कि ऐसा कुछ हो रहा है कि केमिस्ट्री के आंसर की मैच नहीं हो रही है या केमिस्ट्री ने एनटीए ने जो आंसर दिए हैं वो रिलेट नहीं हो पा रहे हैं उनके आंसर की से, ताकि गवर्नमेंट की नॉलेज में ये चीज आए कि 29 जून में केमिस्ट्री के पेपर के अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। ऐसा अभी तक थोड़ा सा फीडबैक मेरे पास आया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, जो बच्चे ने 29 जून को 29 जून को एग्जाम दिया है और केमिस्ट्री में उनको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लेकिन आप एनटीए को ईमेल करिए अगर आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। मैं एनटीए का ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं, कॉन्टेक्ट नंबर भी देता हूं और पैरेलली आपका जो क्वेरी रजिस्टर क्वेरी का जो लॉगिन है आपका वेबसाइट पे, जैसे ही आप अपने लॉगिन खोलते हैं चाहे वो आंसर की डाउनलोड करने के लिए खोलें, उसमें क्वेरी रेज करने का ऑप्शन आता है, रजिस्टर्ड क्वेरी भी आप वहां पर रेज कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के कि हमारा केमिस्ट्री का 29 जून का मॉर्निंग इवनिंग जो भी आपकी शिफ्ट रही है उसमें क्वेश्चन पेपर की जो आंसर की आपने दी है वो रिलेट नहीं हो पा रही है, और एक एनटीए को ईमेल कर सकते हैं ताकि इस तरह की अगर प्रॉब्लम वाकई में आई है तो आप लोग भी उस चीज को समझ पाए जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए गाइस, अपना क्वेश्चन पेपर रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स जरूर डाउनलोड करके रख लीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए आपके किस शिफ्ट में पेपर था, कितने मार्क्स आपके आने के चांसेस बन रहे हैं जो प्रोविजन आंसर की डिक्लेयर की है, और अगर आपको कोई भी आंसर को चैलेंज करना है उसकी लास्ट डेट कल 4 जून शाम 5 बजे तक आपको दिया गया, ये प्रेस रिलीज में वेबसाइट पर एनटीए के मेंशन है। मिलता हूं कुछ और करियर अपडेट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।